ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा होगा एक्स स्केयर प्लस 8 पी स्केयर और इसी तरह एक्स स्केयर माइनस पी स्केयर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इसको मैं ज़रा डिफरेंट मेथड से आपको करके बताता हूँ कि कुछ बच्चों को ना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो इतनी बड़ी वैल्यूज़ पे अप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो ये अल्टरनेट मेथड देख लें। अगर ये उन्हें अच्छा लगता है या उसको समझने में आसानी है तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कर लीजिएगा। तो वो मेथड क्या है वो ज़रा आप देख लें। जी स्टूडेंट्स, ये लेट का मेथड है कि आपकी ये दोनों वैल्यू सेम है ना, 8x² प्लस 8p², आप इसको ना a कर लें, कोई भी वेरिएबल कर लें। इसी तरह x² माइनस p² है, ये भी दोनों में सेम आ रहा है तो इसको b कर लें। तो इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये अंडर रूट में इस सारे की जगह a लिख देंगे आप और इस सारे की जगह b लिख देंगे। सेम आपने प्रोसेस डिनोमिनेटर में करना है। अब आप देख रहे होंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया है, आसान तरीन क्वेश्चन बन गया है। अब इस पर हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आसानी के साथ और ईजीनेस के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे। तो वो अप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या हमारी सिचुएशन बनती है क्वेश्चन की। ये स्टूडेंट्स, मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया है। न्यूमरेटर को दो दफ़ा लिखा, फिर प्लस माइनस लगाया, फिर डिनोमिनेटर को दो दफ़ा लिखा, ब्रैकेट्स को ओपन कर लिए और इसमें कुछ राइट साइड पे भी ऐसे ही कुछ किया है और कुछ कैंसिलेशंस हो रही है न्यूमरेटर लेफ्ट साइड पे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इवन के राइट साइड पे भी हो रही हैं। वो ज़रा करके देखते हैं कि क्या हमारी वैल्यू बनती है। ये लें स्टूडेंट्स, कैंसिलेशन कर दिए हमने, ये 4 2 से कैंसिल हो गया, ए और ए ऐड हो गए, 2 a हो गए, माइनस बी और माइनस अंडर रूट बी, माइनस 2 अंडर रूट बी हो जाएगा। तो इसका जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो गया और 2 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 2 रह गया। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्यूशन करते हैं और उसके लिए ज़रूरी है पहले इनके अंडर रूट्स ख़त्म हो जाए। अंडर रूट ख़त्म कौन कर सकता है, वो एक ही बंदा कर सकता है। और वो क्या चीज़ है, क्या बंदा है, और वो है टेकिंग स्केयर। तो अब हमने दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेते हैं ताकि इनके अंडर रूट्स एलिमिनेट हो जाएं। ये लें स्टूडेंट्स, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो अंडर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे ये जब स्केयर लिए, और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब फर्दर हम फिर ए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं इसको पुट करके। यहाँ पर ही मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्दर हमारा आंसर क्या आएगा। ये स्टूडेंट्स, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 4 हुआ और बी जो है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था, तो ए इज इक्वल टू बी 4 हो गया। अब हम यहाँ पे ना जो ए और बी की वैल्यू लेट की हुई थी ना वो यहाँ पे हम पुट करते हैं और फिर फर्दर इसका सोल्यूशन करते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यूज़ लगा दी हैं, ए की वैल्यू को भी लिख दिया यहाँ से देख के, बी की वैल्यू को भी लिख के दे दी है, और बी की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दी है। अब लेफ्ट साइड पे एक्स वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें और पी वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको राइट साइड पे कंबाइन कर लें और फिर देखें कि हमारी क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। ये लें जी, एक्स वालों को लेफ्ट साइड पे कंबाइन कर लिया और पी वाली वैल्यूज़ को राइट साइड पे, 8p² स्केयर था ना राइट साइड पे आके माइनस हो गया और प्लस 4x² स्केयर था लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो गया 4x, तो 1 माइनस 4 किया तो माइनस 3 आ गया। और इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड हुआ तो 3 4 टाइम 12 हो गया और माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब जो कि हमें x की वैल्यू चाहिए, x² नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर यही है कि आप टेकिंग अंडर रूट करेंगे ऑन बोथ साइड्स और देखेंगे क्या हमारा आंसर क्या बनता है। ये लें जी, अंडर रूट ले लिया है और अंडर रूट लेने से 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा, पी स्केयर का पी का स्केयर एलिमिनेट हो जाएगा तो प्लस माइनस 2p आ गया, स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो गया। एक्स ही फाइंड करना था हमने कर लिए और सॉल्यूशन सेट में आप इसको एक दफ़ा प्लस 2p लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस 2p। तो ये देख लें, अगर आपको ये मेथड अप्रोप्रिएट लगा है, आसान लगा है, तो ये जो पार्ट नंबर है ना इस क्वेश्चन के 6, 7, 8, 9 इनमें आप ना लेट करके वैल्यूज़ को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोनों मेथड ठीक हैं और जो आपको आसान लगता है वो आप अप्लाई कर दें, और नहीं तो फिर पार्ट नंबर जो 9 है वो आपने करना है, और उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे आपने ज़रूर बताना है।